फंगस म्यूकर माइकोसिस क्या है जो पोस्ट कोविड लोगों को मौतें बना रहा। आपने अभी हाल में सुना होगा कि पूरे इंडिया में मुंबई, दिल्ली, यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश हर जगह जो है म्यूकर माइकोसिस एक काला फंगस जो है लोगों की जान ले रहा है पोस्ट कोविड आईसीयू में लोगों की। जाइगोमाइकोसिस और म्यूकर माइकोसिस रिप्रेजेंट ये क्या है, कोई नई बीमारी है? नहीं नहीं, कोई नई बीमारी नहीं, सदियों से हमारे साथ ये जी रही है। लेकिन भगवान ने, ऊपर वाले ने, अल्लाह ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर आती है हमारे सैनिक उसको धूम धड़ाक मार देते हैं। कई बार तो जैसे वजाइना में और नोज में तो ये हमारे साथ रहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। लेकिन अगर इम्यूनिटी कमजोर है, जैसे HIV हुए या फिर जिनकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई है किसी वजह से, उनको ये घातक हो जाते हैं। अब आजकल पोस्ट कोविड ये देखा जा रहा है कि उनमें जैसे डायबिटिक पेशेंट हैं जिनमें इम्यूनो सप्रेशन ड्रग्स लाइक स्टेरॉइड, डेक्सामेथासोन, पिडनीसोलोन ये सब यूज किया गया है या इम्यूनो मॉड्यूलेटर दिया गया है, इटोसिलुजुमैब वगैरह दिया गया है, उनमें ये घातक हो जा रही है और फैल जा रही है। और आपको बता दूं ये इतनी घातक है कि अगर इंसान को हो जाए तो 10 में से 8 लोगों की मौत हो जाती है अगर सही टाइम पे डायग्नोस नहीं किया। 50 से 80% तक मोर्टिलिटी है। तो ये बेसिकली फंगस जो है जाइगोमाइकोसिस यानी कि माइकोमाइसिटिस ग्रुप का मोल्ड है। आपने देखा होगा खाना वाना छोड़ दीजिए कई हफ्ते 10 हफ्ते बाद काले काले स्पोर्ट्स आते हैं, यही स्पोर्ट्स हैं। ये अपने पैदावार करते हैं, हम करोड़ों बनाते हैं, हवा में घूम रहते हैं और ये हमारे नाक के रास्ते, साइनस के रास्ते अंदर घुसते हैं। एक्ट विथ फंगल स्पोर्ट्स इन द एनवायरमेंट और बाय इनहेलेशन ऑफ द स्पोर्ट्स फ्रॉम द एयर। आपको बता दूं हमारे बॉडी में भगवान ने AC बनाया हुआ है। ये फ्रंटल साइनस होता है, ये स्मार्ट साइनस होता है, ये मैक्सिलरी साइनस होता है। आपने स्कल देखा होगा, गोल गोल ऐसे निशान, इस साइनस में जाके ये बैठ जाते हैं, नाक के रास्ते अंदर घुसते हैं, आंख में घुस जाते हैं, आंख में फैल करके ये आंख के रास्ते होते हुए, ये एंजियो इन्वेसिव इन्फेक्शन है टर्म अगर मैं यूज करूं, और ये ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। तो अगर आपको जो अब कुछ सिम्टम्स बताने जा रहा हूं अगर वैसे दिखता है तो आप फौरन अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। मोस्ट कॉमन म्यूकर माइकोसिस जो होता है राइनो सेरिब्रल होता है, जो कि यानी कि इस नाक के रास्ते ब्रेन तक पहुंचता है और वो सबसे ज्यादा फेटल बीमार आता है, सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। आपको एक साइड की स्वेलिंग हो गई आंख में, आंख आपकी थोड़ी सी बाहर लग रही है, आपको बहुत तेज दर्द हो रहा है इस साइड, आपको हाथ दबाने पे साइनसेस में दर्द हो रहे हैं, आपके नाक के पास कोई काला रंग का अल्सर दिखाई दे रहा है जो कि बहुत डायग्नोस्टिक होता है, आपको जो है नाक जब छींक रहे हो कभी कभी खून आ जा रहा है, थ्रोट में आपके जो है इन्फेक्शन लग रहा है और आपकी ब्लरिंग डबल विजन हो जा रही है यानी कि धुंधला दिखाई दे रहा है, ये आई मूवमेंट में होने में प्रॉब्लम हो रही है या आंख को टच करने में दर्द हो रहा है, वो सीवियर हेडेक हो रहा है, बहुत कच के दर्द हो रहा है जो कि आपको ब्रूफेन भी खा ले रहे हो और सही नहीं हो रहा है। इसके सेकंड जो मोस्ट कॉमन है वो पल्मोनरी म्यूकर माइकोसिस यानी लंग को इन्फेक्टेड करता है ये, तो उसमें चेस्ट पेन होगा, सांस लेने में आपको दिक्कत होगी, बहुत सीवियर जैसे हार्ट अटैक वाला पेन होता है, और जब चलेंगे तो सांस फूलने लगेगी, खांसेंगे तो हो सकता है खून आ जाए बलगम में। तीसरा जो होता है क्यूटेनियस म्यूकर माइकोसिस है वो उतना घातक नहीं होता है, लेकिन चौथा जो GI म्यूकर माइकोसिस यानी कि अतड़ियों को, इंटेस्टाइन को अगर इन्फेक्टेड कर देता है तो गैस्ट्रो इंट्रोकोलाइटिस कर सकता है, और जिसमें आपको बहुत घातक ये भी होता है, इसमें भी 80% मोर्टिलिटी होती है, आपके लैट्रिन में खून आ जाएगा, आपका जो है पतला दस्त होगा, पेट में बहुत तेज दर्द होगा, बहुत सीवियर दर्द होगा। तो इसके अलावा जो है सबसे लास्ट में आपको बता दूंगा इसके रीनल और किडनी के इन्वॉल्वमेंट के अलावा लीवर वगैरह भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन डेसिमिनेटेड म्यूकर माइकोसिस यानी पूरे शरीर में फैल सकता है, ब्रेन में भी चला गया, आपके लंग में भी चला गया, आपकी किडनी को भी नुकसान कर दिया, GI को भी नुकसान कर दिया। और डेसिमिनेटेड म्यूकर माइकोसिस में मेनिनजाइटिस होती है, आदमी कोमा में भी चला जाता है। विद अ टिपिकल ब्लैक नेक्रोटिक अपीयरेंस
It is a clinical diagnostic point, so keep this in mind. Now next is pulmonary mucormycosis, which is the second most common form, and it occurs in patients with leukemia. Then cutaneous mucormycosis, then gastrointestinal mucormycosis, such as necrotizing enterocolitis, which is seen commonly in premature neonates. Then disseminated. अगर आपको कोई भी सिम्टम जो मैंने बताए हैं अगर आपको लगता है तो फौरन दवा कीजिए, आपके घर आए हैं ट्रीटमेंट होने के बाद या फिर आपको आईसीयू में ही हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि आपकी नाक अभी भी बहुत बंद है, आपके आंख में पानी आ रहा है, आंसू आ रहा है, आप निकल नहीं कुछ पा रहे हैं, खांस बहुत रहे हैं, जब खांस रहे हैं तो खून आ जा रहा है, नाक से कभी खून आ जा रहा है, एक साइड बहुत तेज दर्द हो रहा है, आपको हाथ अगर रख दे रहे हैं साइनसिस के एरिया में तो उसमें भी आपको दर्द हो रहा है, चीक बोन में आपको दर्द हो रहा है, काले रंग का अल्सर शरीर में कहीं पे भी दिखाई दे तो आपको अलर्ट हो जाना है। डॉक्टर्स के लिए भी मैं कहूंगा जो ट्रीट कर रहे हैं उनको भी बहुत एग्रेसिवली इन्वेस्टिगेट करना है। अगर आपका पेशेंट इस बात की शिकायत करता है कि हमको जो है नाक में मेरा ब्लॉक लग रहा है, 14-15 सांस लेने में दिक्कत हो रही है, नाक से मुंह से खून आ जा रहा है, या फिर साइनसिस में कहीं प्रॉब्लम हो रही है, आंख मेरी धुंधली दिखाई दे रही है, आंख मेरी मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, और या फिर सर ऐसा सर दर्द कर रहा है कि जो कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्या करना है, इसका इन्वेस्टिगेशन कल्चर से कर सकते हैं, इसको पैथोलॉजी से कर सकते हैं, और यूजुअली जो है डॉक्टर देख के भी पहचान जाएगा स्कार जो उसका ये वो दिखाई दे जाता है उससे पहचान लेते तो कल्चर से वो भी पहचान में आता है। जैसे ही आपको शक हो कल्चर और इन्वेस्टिगेशन का MRI और CT स्कैन का रिपोर्ट का वो मतलब वेट नहीं कीजिए, आप एग्रेसिवली इसको ट्रीट करना है, एकदम बहुत तेजी से उसको बहुत अटैक करना है, एकदम मतलब इसको इतनी एग्रेसिवली ट्रीट करना है कि आप वेट नहीं कीजिए किसी चीज का इन्वेस्टिगेशन का, आपको अगर शक हो रहा है तो आप फौरन उसको ट्रीट कीजिए। एम्फोटेरेसिन लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी LAMP जो है ये इसका बी इसका ड्रग ऑफ चॉइस है जो IV दी जा सकती है, 4 से 6 हफ्ते तक देना होता है, बहुत महंगा ट्रीटमेंट है। आप अभी सोशल मीडिया में आजकल देख रहे होंगे लोग डिमांड कर रहे हैं एम्फोटेरेसिन बी चले, अभी कुछ दिन पहले ऑक्सीजन और बेड की डिमांड कर रहे थे, अब एम्फोटेरेसिन बी की डिमांड चल रही है। इसके अलावा कोसाकोनाजोल और आइसोवाकोनाजोल भी दे सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कभी कभी सर्जिकल डिब्राइडमेंट करना पड़ता है, यानी वो टिश्यू जो इन्फेक्टेड है उस वहां पे रिमूव करना पड़ता है। नाक के पास है तो हो सकता हो नाक पर पूरी काटनी पड़े, यहाँ आपके चीक यानी ये वाली बोन अगर इन्वॉल्व हो तो कभी कभी ये पूरी बोन काटनी पड़ती है, और आंख इन्वॉल्व है तो आंख निकालनी पड़ती है, ब्रेन इन्वॉल्व है तो कुछ कर नहीं सकते, GI इन्वॉल्व है तो पेट की सर्जरी करनी पड़ती है, तो ये सारे बहुत मतलब आप जिंदगी भर के लिए वो अंग निकालना पड़ता है आपकी जान को बचाने के लिए, वरना क्योंकि जो ड्रग है वो काम करने में 2-4 हफ्ता लगाएगी और ये म्यूकरमाइकोसिस आपके ब्रेन तक और अदर जो ऑर्गन्स है उसमें पहुंच गया, उसको रोकने के लिए वो निकालना पड़ता है, उसको डिब्राइडमेंट करना पड़ता है, सर्जिकल एक्सीजन करना पड़ता है। कैसे बचेंगे तो जो एक इम्पॉर्टेंट जो लोग ध्यान नहीं देते हैं, ह्यूमिडिफायर जो ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हुई और उसमें ह्यूमिडिफायर में जो पानी डालते हैं वो साफ क्लीन स्टेराइल वाटर होना चाहिए, समझ रहे हैं ना, तो वो पानी बहुत साफ, क्योंकि उससे भी जो है सांस लेते हैं तो वो स्पोर्स आपके घुस जाते हैं, तो आप जो ह्यूमिडिफायर बॉटल होता है उसको धुल के अच्छी तरह से और उसमें साफ पानी डालिए। डायबिटीज है तो डॉक्टर को जरूर बताइए, डॉक्टर को भी ये ध्यान रखना है कि स्टेरॉइड जो है जुडिशियली यूज करें, 6वें दिन के बाद ही स्टेरॉइड का रिकमेंडेशन है, 6th डे आपको कोविड इन्फेक्शन के और क्या कहते हैं डायबिटिक कंट्रोल के बाद ही और जुडिशियल डॉक्टर के अंडर भी होना चाहिए। बहुत से मैंने गांव में मैं आजकल डॉक्टर्स ऑन रोड चला रहे हैं हम लोग इनिशिएटिव, हम लोग गांव गांव जा देख रहे हैं तो पहले ही दिन से जो डॉक्टर को वहां पे लोकल जो दिखा रहे हैं भाई, सबके पास तो बड़े डॉक्टर्स को जाने की जरूरत है, जो गांव के डॉक्टर हैं उनको मैंने देखा है कि स्टेरॉइड पहले ही दिन से लिखना स्टार्ट कर दे रहे हैं, मतलब दसियों दवा लिखी जा रही है। एक RBS रैंडम ब्लड शुगर जरूर करा लें कि आपको कई बार होता है पता ही नहीं चलता कि आपको डायबिटीज और आपने स्टेरॉइड स्टार्ट कर दी, ये बहुत खतरनाक हुआ है।
बस इसके साथ ही एक बात और कहना चाहूंगा कि जो इटोसिलोजुमैब दवा है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स दवा है, इसका भी जो है जुडिशियल यूज करना चाहिए। पोस्ट कोविड आपने बहुत सुना होगा लोगों को हार्ट अटैक हो जा रहा है, कई मैंने एक वीडियो और मैंने बनाया हुआ है पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में, उसको भी देखिएगा। तो इसलिए आप अगर रिकवर भी कर गए हैं तो 2 से 6 हफ्ते तक डॉक्टर के अंडर रहिए, आपको कोई भी डेंजर साइन जो बताए हैं उसको जो है उनको डॉक्टर के अंदर में लेके आइए, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि ये नॉन कंटेजियस है, यानी कि आपको अगर हुआ है तो किसी और को नहीं हो जाएगा। कोरोना इसे एक दूसरे में फैला देता है ना, घर में किसी को हो गया तो दूसरे पूरे घर को फैला देगा, पूरे मोहल्ले को दे देगा, लेकिन ये एक नॉन कंटेजियस है, यानी अगर आप किसी बंदे को हुआ है तो ऐसा नहीं है कि दूसरे बंदे को हो जाए, उन्हीं को हो सकता है जिनकी इम्यूनिटी कम हो। तो आई होप बस इस वीडियो के द्वारा मैं ये संदेश देना चाहता हूं, कोई ये नई बीमारी नहीं है, जो साइन सिम्टम्स है वो डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टरों से निवेदन है, आग्रह है कि जो है इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स और स्टेरॉइड का जुडिशियल यूज करें, और आपसे भी आग्रह है कि बिना डॉक्टर के कंसल्ट के स्टेरॉइड का और दूसरी दवाओं का इस तरह से सेवन ना करें। सेफ रहिए।